एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है पुट। पुट यानी कि प्रोग्रामेबल यूजेटी। ये EL 305 और EE 301 दोनों में ही कवर होता है। इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट्स हम लोग आज स्टडी करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पुट, वर्किंग ऑफ पुट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुट। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से होता है, एक्सप्लेन की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुट, यानी कि प्रोग्रामेबल यूजेटी की कंस्ट्रक्शन, बनावट, उसकी कार्य करने की तरीका और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है 6 नंबर के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका पुट का, वो बिल्कुल सेम होता है SCR के जैसे। इट हैज़ 4 लेयर्ड कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक थायरिस्टर, यानी कि SCR के जैसे। इसमें भी 4 लेयर होती हैं PN की, और 3 टर्मिनल्स होते हैं जैसे कि SCR में होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। परंतु इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो पैरामीटर्स इसको कंट्रोल करते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के जैसे। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर्स तो सेम होते हैं UJT के जैसे, और कंस्ट्रक्शन वाइज इसकी जो बनावट है वो दिखती है SCR की जैसे। इसी वजह से इसका नाम UJT के नाम पे पड़ा है, प्रोग्रामेबल UJT। प्रोग्रामेबल वर्ड का इस्तेमाल हमने इसमें इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो UJT में भी होते थे, एक पीक पॉइंट वोल्टेज और एक इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो यानी कि ईटा। आप देख सकते हैं ईटा और पीक पॉइंट वोल्टेज VP दोनों को ही हम लोग इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि चेंजेबल होते हैं। हम उसको कोडिंग के थ्रू या किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को बदला जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया प्रोग्रामेबल UJT। जबकि जो सिंपल UJT था उसमें हम लोग इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा और पीक पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है प्रोग्रामेबल UJT का, वो एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जस्ट लाइक UJT भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए यूज़ करते हैं, और PUT पुट यानी प्रोग्रामेबल UJT को भी हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की जैसे यूज़ कर सकते हैं। थायरिस्टर की फायरिंग सर्किट में, यानी कि थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए, ऑन करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और पल्स सर्किट और टाइमिंग सर्किट्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन वाइज ये कैसे दिखता है। तो आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है SCR के जैसे। वही ऑल्टरनेट 4 लेयर्स हैं, PN की 4 लेयर्स हैं और 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, दूसरा टर्मिनल कैथोड और तीसरा टर्मिनल गेट। परंतु इसमें इस बार ध्यान रखना है कि SCR में गेट टर्मिनल इनर पी लेयर से कनेक्टेड था, जबकि यहाँ पे जो हमारा गेट टर्मिनल है वो इनर एन लेयर से कनेक्टेड है, ना कि पी लेयर से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है इसके कंस्ट्रक्शन और इसके सिंबल में। अदरवाइज दोनों अगर हम इसको सेम यहाँ पर लगा देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये कन्फ्यूज़ करने के लिए आ सकता है। तो आपको पहचानते वक्त याद रखना है, अगर N पे गेट कनेक्टेड है तो वो पुट का डायग्राम है, और अगर P पे गेट कनेक्टेड है तो वो SCR का डायग्राम है। सिंबल वाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप सिंबल देख सकते हैं। SCR का भी ऐसे ही होता है, एक डायोड के जैसे डायोड बना होता है और एक गेट सर्किट निकला हुआ होता है, गेट टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल एनोड और तीसरा टर्मिनल N प्लेट पे, हमारा जो N प्लेट है इस पे कैथोड होता है। तो पुट का और SCR का सिंबल बिल्कुल सेम है, लेकिन जब हम इसका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पुट में N लेयर पे गेट बनाना है, ना कि P लेयर पे। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वाइज हमारा SCR के जैसे होता है पुट, और कैरेक्टरिस्टिक वाइज ये UJT के जैसे होता है। इसी वजह से इसका जो नाम है वो UJT के नाम पर रखा गया है। अब हम इसके देखेंगे मेन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आप इसकी वर्किंग देखिए। वर्किंग में हमारे पास, हमने ये जो एनोड और कैथोड वाला जो पॉइंट है इसकी बायसिंग करी हुई है एक बैटरी VA से, देख सकते हैं आप, और जो गेट टर्मिनल था उसकी बायसिंग करी हुई है बैटरी VBB से,
थ्रू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू। इस दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वन और आर टू के थ्रू हमने इस गेट टर्मिनल की बाइसिंग करी हुई है। अब इस गेट टर्मिनल को हम लोग, आप देख सकते हैं आर वन और आर टू की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो वी जी है हमारा, वी जी यानी कि इस गेट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो इस आर वन के अक्रॉस ड्रॉप होगा, जस्ट लाइक यू जी टी। तो वो कितना होगा, थीटा वी वी वी। ये हमने यू जी टी में भी निकाला था। किस तरीके से निकाला था, के वी एल का यूज़ करते हुए निकाला था। के वी एल का यूज़ करने में हमें पता था कि जो भी हमारा वी जी होगा, वी जी होता था हमारा, वी जी या वी आर वन आप कुछ भी कह लीजिए, वो होता था जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज हमारा है वी वी वी, तो वी 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 इंटू जिस भी वोल्टेज को आपको निकालना है, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, के वी एल में यही करते हैं, अपॉन सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो वी जी जो है वो हो गया वी 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 इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब ये जो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू है, इसी को ही हम लोग ईटा कहते थे। यू जे टी में भी यही था और यहाँ पर भी यही है, ईटा यानी कि इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ये वाला जो वोल्टेज है वी जी, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम हमारे इस वी ए को बढ़ाएंगे, हम इस वी ए को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा यू टी डिवाइस, पोर्ट डिवाइस जो है प्रोग्रामेबल यू जी टी डिवाइस, वो ऑन नहीं हो जाता। इसको ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला वोल्टेज वी जी प्लस ये जो भी डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये आप यू जी टी में भी याद हो आपको, तो जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता था वो डायोड के जैसे दिखता था। तो डायोड यानी कि 0.7 उसका जो वोल्टेज है, कटिंग वोल्टेज वो प्लस वी जी। तो वी ए को हम लोग तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा वी ए बराबर नहीं हो जाता वी जी प्लस और वी जी प्लस 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट डायोड की वजह से मिला है हमें, वी डी की वजह से, और वी जी ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो इस वी ए को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा ये जो प्रोग्रामेबल यू जी टी है वो ऑन नहीं हो जाता। तो जिस पॉइंट पे हमारा यू जी टी ऑन होता है वो वोल्टेज होता है ये वाला वी जी प्लस 0.7 वोल्ट। जैसे इससे ज़्यादा होगा वोल्टेज तभी हमारा ये ज़्यादा होगा ऑन होगा पी ओ टी, क्योंकि एनोड पे वोल्टेज ज़्यादा होगा कैथोड के कंपैरिजन में, तभी हमारा ये ऑन होता है। तो ये देख सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक में भी ये चीज़ दिख रही है हमारी, जब तक हमारा ये ऑफ है ये कट ऑफ रीजन होता है, हम बढ़ाते जा रहे हैं वी ए को, बढ़ाते जा रहे हैं। ये पॉइंट इसको हम पीक पॉइंट भी बोलते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक का, ये वही पॉइंट है जहाँ पर हमारा एनोड वोल्टेज बराबर हो जाता है वी जी प्लस 0.7 वोल्ट के। तो जैसे ही हमारा इस पॉइंट के बराबर होता है ये इस कैरेक्टरिस्टिक में, इस पॉइंट पे हमारा जो है प्रोग्राम पहुंचता है, हमारा जो सर्किट में जो वोल्टेज पहुंचता है, तो हमारा जो है ये पी यू टी पोर्ट ऑन हो जाता है। और जैसे ही ये ऑन होता है तो हमारा ये जो है वी ए सफिशिएंट चार्ज कैरियर्स, इस वोल्टेज की वजह से इस जो प्रोग्रामेबल यू जी टी है हमारा, इसमें जंक्शन पे सफिशिएंट चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हो जाते हैं। सफिशिएंट चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होने की वजह से हमारा वोल्टेज का जो है सडनली डिप हो जाता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, बिल्कुल यू जी टी की जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है तो करंट बढ़ता है। आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में करंट हमारा रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, करंट बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है आर वन आप देख सकते हैं ये कम होता है। ये कम होने की वजह से हमारा ईटा कम होता है, ईटा कम होने की वजह से हमारी वी जी की वैल्यू कम होती है, वी जी की वैल्यू कम होने की वजह से वी ए की वैल्यू में ड्रॉप होता है। अब ये ड्रॉप कब तक होगा, ये ड्रॉप होता होता ये तब तक ड्रॉप होगा जब तक कि हम इस वैली पॉइंट पर नहीं पहुँच जाते, यानी कि जब वैली पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जब हमारा
जो है सैचुरेट हो जाता है वी ए भी, कि भाई अब इससे ज़्यादा वी ए कम नहीं हो सकता, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हुए थे वो पूरे हमारे जंक्शन को कवर कर चुके हैं, उससे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अब इंजेक्ट नहीं हो सकते और सैचुरेशन हो जाता है उस पॉइंट पर जाके। तो जिस पॉइंट पे हमारा सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है या सैचुरेशन हो जाता है हमारे डिवाइस का, उस पॉइंट को बोलते हैं वैली पॉइंट, और इससे ज़्यादा फर्दर डिक्रीमेंट हमारा वोल्टेज में नहीं हो पाता, इस पॉइंट पे वोल्टेज को बोलते हैं वैली पॉइंट वोल्टेज। और जिस पे हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हुई थी और हमारा पुट डिवाइस ऑन हुआ था, उस पॉइंट को बोलते हैं वी पी पीक पॉइंट वोल्टेज। इसके बाद वाला जो रीज़न होता है वो होता है हमारा सैचुरेशन रीज़न, यानी कि हमारा करंट और वोल्टेज दोनों सैचुरेट हो चुके हैं, अब बहुत स्लाइटली सा चेंज होगा वी ए को बढ़ाने पे। तो यहाँ से आपने देखा कि इसकी वर्किंग बिल्कुल यू जे टी की जैसे है, इसकी वर्किंग में वही सारे पॉइंट्स हैं जो यू जे टी की पॉइंट्स हैं, परंतु बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज हमने कनेक्ट किए हुए हैं इस गेट सर्किट से, और जिनकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इनकी वैल्यूज़ को आर वन और आर टू को कभी भी किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी वी जी की वैल्यू भी चेंज होती है। वी जी की वैल्यू चेंज होती है तो वी जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वी ए की वैल्यू भी चेंज होती है, वी ए की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारी जो वी पी है पीक पॉइंट वोल्टेज वो भी चेंज होता है, क्योंकि वी ए वी पी के बराबर ही है। जिस पॉइंट पे हमारा ऑन होता है वही वी ए की वैल्यू वी पी कहलाती है, जिस पॉइंट पर हमारा यूटी पुट डिवाइस ऑन होता है। तो इस तरीके से आप इसमें ईटा और पीक पॉइंट वोल्टेज दोनों ही फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। इसी वजह से इस डिवाइस का नाम जो है पुट पड़ा, यानी कि प्रोग्रामेबल यू जे टी, जबकि यू जे टी के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। एक बार जो आर वन और आर टू की वैल्यू आपने फिक्स कर दी वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बाकी इसकी वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल यू जे टी के जैसे ही होती है। इसी पॉइंट्स को एक बार हम वापस से देखेंगे। वर्किंग के पॉइंट्स जो है इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम एनोड वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, हमारा करंट वी ए जो है वी ए को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा एनोड करंट भी इंक्रीज होगा। एनोड करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है वी ए जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सफिशियंट चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट कर चुका होगा और हमारा जंक्शन सैचुरेट हो जाता है, उसी को पीक पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है करंट आई ए बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, सैचुरेट हो जाता है हमारा जो जंक्शन है उसमें चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा करंट आई ए बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होता है और वी ए वोल्टेज डिक्रीज़ होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, बिल्कुल यू जे टी के जैसे होता है। इसी वजह से इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के जैसे भी यूज़ करते हैं। अब वो पॉइंट जहाँ तक हमारा वोल्टेज डिक्रीज़ होगा, वी ए रिड्यूज़ होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे वैली पॉइंट। इसके बाद कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, हमारा डिवाइस फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा और वी ए में कोई भी डिक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। वो पॉइंट जहाँ पे हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलना शुरू होती है और हमारा डिवाइस कम्प्लीटली ऑन होता है, उसको बोलते हैं पीक पॉइंट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिलना शुरू होती है, इसकी पीक पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट प्लस वी जी, वी जी यानी कि वही वी आर वन, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं कैसे निकाली है यूजिंग के वी एल ईटा वी बी हमको ये मिलती है। इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशो जो होता है वो होता है आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू का रेशो होता है। इसके थ्रू हम लोग जो हमारा गेट और कैथोड की जो वैल्यू है वी बी बी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशो और पीक पॉइंट वोल्टेज को प्रोग्रामेबल यूजेटी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, यही इस पुट डिवाइस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको यू जे टी से अलग करता है। अदरवाइज इसकी वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल यू जे टी के जैसे है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन वाइज स्ट्रक्चर है वो इसका एस सी आर थायरिस्टर के जैसे है। तो यू जे टी और एस सी आर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बनता है वो है हमारा प्रोग्रामेबल यू जे टी। तो आज के क्लास में हमने देखा प्रोग्रामेबल यू जे टी की कंस्ट्रक्शन,
वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।